चलो बेटा, हम लोग शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, नल इम्पल्स कंडक्शन हमने पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। और आज हम लोग ब्रेन की बात करेंगे, स्पेशली हम नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करने जा रहे हैं बेटा। आज हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारा CNS है, CNS में दो चीजें इंक्लूड होती हैं। एक तो हमारा होता है ब्रेन, एक है हमारा ब्रेन और दूसरा हमारा होता है बेटा स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। एक चीज आप समझिए इस बात को कि ये नर्वस सिस्टम का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, कुछ बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो इसको इतना इलेबोरेट करते हैं, इतना इलेबोरेट करते हैं कि आपको मजा खूब आता है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल ही इरेलीवेंट होता है। तो हमारा अपना मेन फोकस ये होगा कि हम लोग अपनी एनसीईआरटी तक लिमिट रहे, लेकिन जो थोड़ा सा इर्द गिर्द के आसपास की जो इन्फॉर्मेशन है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, हम उसको कवर करें। अभी आप यहाँ पर हो, अभी आप जब इसी साल के एंड तक जब आप अपनी MBBS की सीट को कंफर्म करके जब आप जाओगे वहां पे मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तो पहले साल ही न्यूरल एनाटॉमी बहुत ही डिटेल में आपको पढ़नी है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़नी है। पूरा ब्रेन के पार्ट को, एक एक पार्ट को जो है डाइसेक्ट करके उसको जो है पढ़ना होगा। तो वहां पर आपको बहुत डिटेल पढ़ना है, वहां पर आपको सारा काम करना है। अभी हमारा मेन काम क्या है कि इस नर्वस सिस्टम से जो 2 से 1-3 क्वेश्चन आने की जो संभावनाएं हैं, उस संभावनाओं को हमें जो है पूरा करना है, और जो जो चीजें हमसे पूछ सकता है एग्जाम में, उन सारी चीजों को पूरा करना है। तो हमारा जो ब्रेन है कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है जो आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर जो आप कुछ देख रहे हो, यहाँ पर ब्रेन हमारा कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो अब ब्राइटनेस कुछ कम हुई है शायद, हाँ कम हुई है ब्राइटनेस। अच्छा, हम करीब जाते हैं तो ब्राइटनेस बढ़ जाती है कीबोर्ड की। तो बेटा बस यही बात है कि बहुत सारे मॉड्यूल्स आपके पास होंगे, बहुत सारी किताबें आपके पास होंगी, बहुत सारे यूट्यूब के लेक्चर्स मौजूद है, हर जगह मौजूद है, लेकिन हमारा अपना मेन फोकस क्या होगा? हमारा अपना मेन फोकस ये होगा कि हमारी एनसीईआरटी क्या करेगी। अब जैसे आप देखिए, एनसीईआरटी ने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में बताया है, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बताया है, और बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में दी गई है। लेकिन हमारे ब्रेन को कुछ ज्यादा एक्सप्लेन किया, तो हम लोग जितना एक्सप्लेनेशन हमारी एनसीईआरटी ने करने की कोशिश की है, उसी को हम थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, उसी को बहुत अंडरस्टैंड करेंगे कायदे से, ताकि हमारा जो काम है नीट वाला, वो काम पूरी तरीके से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, दो चीजें होती हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हमने किस में इंक्लूड किया बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने इंक्लूड किया है, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल पार्ट है, कमांडिंग पार्ट है। ये बॉडी के जितने भी आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्या करता है बेटा? कमांड करता है और उनको जो है मैसेज वगैरह रिले करने का काम करता है। आप यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपके ब्रेन का है, ये आपका ब्रेन है। ब्रेन का एक सजाइटल सेक्शन है। कैसा सजाइटल सेक्शन? का मतलब ये हाफ सेक्शन, ये पूरा सेक्शन नहीं है। तो इसका आप इस तरीके से इसको समझिए कि हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से है। ये पूरा पूरा सामने हमारा क्या है? ब्रेन है। अभी हमने ब्रेन के पार्ट को डिफरेंशिएट नहीं किया, अलग अलग नहीं किया है, ये पूरा हमारा ब्रेन है बेटा, ठीक है, ये ब्रेन है। ब्रेन को अच्छा, हालांकि हम लोग किस ग्रुप में आते हैं? हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं, ठीक है, और मेमेलिया में आते हैं। तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक ये है कि हमारा जो सिमेट्री है वो हमारी सिमेट्री है बाइलेटरल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री है बेटा? बाइलेटरल सिमेट्री। अगर हम अपने आप को बीचों बीच अगर ऐसे कट करेंगे तो हमारी बॉडी का हाफ हाफ पोर्शन 2 डिवाइड हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक है, हमारी बॉडी का हाफ हाफ सेक्शन दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, मतलब आधा इधर आधा इधर। मतलब आप अपने सर को, मतलब अपने टीचर को अगर 20 से काटने की कोशिश करोगे, तो 20 अगर डाइसेक्ट करोगे, तो आपको हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, एक कट सेक्शन में इस तरीके से ब्रेन हमारा दिखाई पड़ेगा, समझ रहे हो? जब ब्रेन हमें दिखाई पड़ेगा, तो ब्रेन को अगर हम नीचे से जाने की कोशिश करेंगे, तो हमारी यहाँ से शुरू होती है ये नीचे की तरफ हमें दिखाई पड़ती है बेटा स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से हमें क्या दिखाई पड़ती है?
स्पाइनल कॉर्ड दिखाई पड़ती है, और ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हमारे इस वाले रीजन से, ये जो रीजन दिख रहा है ये वाला रीजन आपका होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, उसके बाद आपका ये वाला रीजन दिखाई पड़ता है इसको हम कहते हैं पॉन्स, उसके बाद ये रीजन जो दिखाई पड़ता है उसको हम कहते हैं मिड ब्रेन, ठीक है, उसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है क्या, आपको हाइपोथैलेमस दिखाई पड़ेगा, फिर आपको थैलेमस दिखाई पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर साइड में आपको एपिथैलेमस दिखाई पड़ेगा, ठीक है, यानी कि एपिफाइसेस सेरिब्रम जिसको हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं, आपको हमने नर्वस उसमें केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बताया था। और ठीक इसके पीछे ये आपको ये वाला हिस्सा जो दिखाई पड़ता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये वाला जो ये आपका क्या है, ये आपका है सेरिबेलम, क्या है आपका ये सेरिबेलम, ठीक है। तो ये कुछ हिस्से आपको ऐसे दिखाई पड़ते हैं। फिर इसके बाद मेन रीजन आपका ब्रेन का दिखाई पड़ता है, ये वाला पूरा ब्रेन का हिस्सा दिखाई पड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फोर ब्रेन, क्या बोलते हैं इसको हम, फोर ब्रेन। तो ये जो हमारा पूरा पूरा ब्रेन है तीन रीजन में बटा होता है, तीन रीजन कौन कौन सा है आपका, ये वाला रीजन जो होता है उसको हम कहते हैं बेटा फोर ब्रेन कहते हैं, उसके बाद आपका मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के बाद आपका क्या आता है बेटा, हाइंड ब्रेन आता है, हाइंड ब्रेन में जो जो चीजें इंक्लूड होती हैं वो होता है हमारा सेरिबेलम होता है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, और हमारा क्या होता है बेटा पॉन्स, पॉन्स। ये तीन चीजें हमारे जो है हाइंड ब्रेन में यानी कि सबसे पीछे वाले ब्रेन में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। ये जनरल ओवरव्यू था हमने आपको बताया। तो अगर हम ब्रेन को डिफाइन करेंगे तो ब्रेन को डिफाइन करने से पहले कुछ हम आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स बताएंगे, उसके बारे में आपको जानना बहुत बेहद जरूरी है। जैसे आपने पढ़ोगे कि एक होता है आपका ग्रे मैटर, एक क्या होता है बेटा आपका ग्रे मैटर, आपने सुना होगा कि ग्रे मैटर होता है व्हाइट मैटर होता है, एक्चुअली ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर है क्या, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर है क्या एक्चुअली, आप इसको समझिए। ग्रे मैटर यहाँ पर ग्रे कलर से जो है लिया गया है, और एक है आपका व्हाइट मैटर, एक क्या है आपका व्हाइट मैटर, इन दोनों टर्म्स से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लेते हैं, ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में कैसा होता है, व्हाइट मैटर स्पाइनल कॉर्ड में कैसा होता है, ठीक है, और ग्रे मैटर आपके ब्रेन में कैसा होता है, ठीक है, व्हाइट मैटर आपके ब्रेन में कहाँ पर होता है, कैसा होता है, इन सब के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये स्पाइनल कॉर्ड, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक आउटलुक मैं दे रहा हूँ, ये मान लीजिए कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के दो रीजन होते हैं, जिस तरीके से ब्रेन के दो अलग अलग हिस्से होते हैं, बाहर वाला रीजन कौन सा होता है बेटा कॉर्टिकल होता है, और अंदर वाला कौन सा होता है मेडुलर रीजन होता है, ठीक है। तो बाहर वाला कॉर्टिकल रीजन होता है, और अंदर वाला कौन सा रीजन होगा, मेडुला का रीजन होगा, ठीक है। तो आपके स्पाइनल कॉर्ड में ये जो मेडुला वाला रीजन होता है ये ग्रे होता है, ग्रे मैटर का होता है, और बाहर वाला कौन सा होता है बेटा व्हाइट मैटर का होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के केस में हम बता रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड के केस में बता रहे हैं कि ये अंदर वाला कैसा होता है बेटा ग्रे मैटर का होता है, और बाहर वाला कैसा होता है व्हाइट मैटर का होता है। लेकिन जब इसका अपोजिट कहाँ पर होता है, हमारे ब्रेन में होता है, हमारे ब्रेन में जब इसका अपोजिट होता है कैसे, जैसे ये बाहर की तरफ कौन सा रीजन है बेटा कॉर्टिकल रीजन है, और अंदर कौन सा रीजन है मेडुलरी रीजन है, ठीक है, बाहर की तरफ कॉर्टिकल रीजन है और अंदर की तरफ मेडुलरी रीजन है। तो ये जो बाहर वाला होगा ब्रेन के केस में वो आपका ग्रे मैटर होगा, और अंदर वाला जो रीजन होगा वो आपका व्हाइट मैटर का होगा। अब एक्चुअल में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर है क्या, देखिए हम जानते हैं हमारा जो न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स के ये दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है इसका सेल बॉडी होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है बेटा इसके प्रोसेसेस होते हैं। इस तरीके से कल आपने ये स्ट्रक्चर आपने देखा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने देखा। तो जहां पर हम ग्रे मैटर की बात करते हैं तो ग्रे मैटर में ये जो सेल बॉडी वाला पार्ट होता है, ग्रे मैटर में ये जो सेल बॉडी वाला जो पार्ट होता है वो ज्यादा होते हैं, वो एम्बेडेड होते हैं, और एक क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, एक क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं बताऊं आपको, इधर ये ग्रे मैटर की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से होगा, ये अंदर की तरफ ग्रे मैटर है
तो यहाँ पर ये ढेर सारे जो है ये सेल बॉडी है और ये सेल बॉडी है और इसके प्रोसेसेस हैं, ये एग्जॉन है, एग्जॉन बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी जो होता है आप कहाँ पर पाया जाता है बेटा, आपके मेडुला वाले रीजन में पाया जाएगा, इन साइड पाया जाएगा। तो इसके ढेर सारे क्लस्टर की वजह से यहाँ पर इसका जो अपीयरेंस होगा वो समवॉट ग्रे लाइक होगा, क्योंकि यहाँ पर अंदर की तरफ आपका क्या होगा, आपका सेल बॉडी सबसे ज्यादा पाया जाएगा और उसके पेरिफेरी पर क्या निकला हुआ होगा बेटा, यहाँ पर इसके एग्जॉन्स निकले हुए होंगे। तो एग्जॉन्स के ऊपर हम जानते हैं माइलिन शीट पाई जाती है, माइलिनेटेड होता है, इसकी वजह से उसका जो कलर होता है वो व्हाइटिश व्हाइटिश दिखाई पड़ता है, व्हाइट कलर का दिखाई पड़ता है। ठीक इसीलिए जो है हमने इसको क्या बोला कि स्पाइनल कॉर्ड के केस में ग्रे मैटर अंदर ज्यादा होता है और व्हाइट मैटर बाहर होता है, ब्रेन के केस में व्हाइट मैटर अंदर होता है, ग्रे मैटर बाहर होता है। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है, आपको बिल्कुल समझना होगा कि ग्रे मैटर को हम ग्रे मैटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस रीजन में हमारा जो सेल बॉडी है वो ज्यादा अमाउंट में क्लस्टर के फॉर्म में ढेर सारा पाया जाता है और फिर उससे निकलने वाले जो प्रोसेसेस हैं स्पेशली हमारे कौन से, हमारे जो एग्जॉन्स हैं वो आपके पेरिफेरी रीजन पर यानी कि कॉर्टिकल रीजन में क्या होते हैं बेटा, फैले हुए होते हैं। इसलिए ये वाला रीजन जो है आपको व्हाइटिश दिखाई पड़ता है और ये वाला रीजन जो अंदर वाला रीजन है आपका कैसा दिखाई पड़ता है, ग्रे कलर का दिखाई पड़ता है। आई थिंक ये बात आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के बारे में क्या है, तो ग्रे मैटर के बारे में पॉइंट लिख लीजिएगा, इट इज कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स consists of cytons and non-myelinated neurons. इसमें क्या होता है बेटा, cyton होगा और non-myelinated neurons होंगे। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आपके ग्रे मैटर में होते हैं और साइटॉन होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके। उसके बाद व्हाइट मैटर में क्या होगा बेटा, व्हाइट मैटर में जनरली क्या होंगे बेटा, आपके माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होंगे, ठीक है, आपके व्हाइट मैटर में क्या होगा, माइलिनेटेड नर्व फाइबर होगा, उसमें क्या होगा माइलिनेटेड आपका माइलिनेटेड नर्व फाइबर। एक जनरल इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। माइलिन शीथ के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं माइलिनोजेनेसिस, क्या कहते हैं, माइलिनोजेनेसिस। और ये माइलिनोजेनेसिस शुरू होता है आपके जो थर्ड ट्राइमेस्टर चलता है प्रेगनेंसी का, थर्ड ट्राइमेस्टर समझते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। प्रेगनेंसी नौ महीने की होती है, तो उसको तीन तीन महीने के सेगमेंट में बांटे हैं। तो पहला तीन महीना फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरा तीन महीना सेकंड ट्राइमेस्टर, तीसरा तीन महीना आपका थर्ड ट्राइमेस्टर। तो थर्ड ट्राइमेस्टर के आसपास जो है शुरुआत में ही माइलिन शीथ का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और माइलिन शीथ बनाता कौन है भाई शुक्ला जी, जंगली हो इतनी तेज, बताओ धक्का मार रहा भाई, हम तो डर गए। कौन बना रहा है भाई माइलिन शीट, हाँ हाँ ठीक है, शॉर्ट बताया था हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो ये चीज आप समझिए, माइलिनेटेड नर्व फाइबर का फॉर्मेशन यानी माइलिन शीथ का फॉर्मेशन आपके अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर में शुरू हो जाता है, ठीक है। और माइलिन शीथ का काम क्या होता है, टू इंक्रीज द इम्पल्स कंडक्शन, ठीक है, ये बातें हमने आपको बताई थी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या, ग्रे मैटर का मतलब ये होता है कि वहां पर साइटॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होंगे वो ज्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे। और वो कहां पर पाए जाएंगे बेटा, इनसाइड पाए जाएंगे, कहां पर, स्पाइनल कॉर्ड के केस में
और ब्रेन के केस में जो है बाहर की तरफ आ जाएंगे। मतलब ब्रेन की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये इसके साइटॉन बॉडी ज्यादा पाई जाएगी, इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होगा। ये देखिए इस तरीके से, ठीक, यह बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, और इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको और मैं बता दूं कि कलेक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स, कलेक्शन ऑफ द साइटॉन क्या कहलाता है। देखिए हो गया ये सब का, जल्दी लिखिए आप, जल्दी से बना लीजिए इसको। खूब मजेदार मजेदार वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए होंगे, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो जो आपने बाइबल पढ़ी हुई है ना, ये इसको क्या कहते हैं, एनसीईआरटी की बुक, इसी पे रहना है। और थोड़ा सा जहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है उसको इस पर डिस्कशन करेंगे, आपको थोड़ा जाने की कोशिश करेंगे जहां जहां से संभावना है। अदरवाइज जब जाओगे ना शेफाली, जब मेडिकल कॉलेज में जाओगी, जब डाइसेक्शन करना होगा, जो कैडेवर रहेगा, मरी हुई बॉडी रहेगी, उसका ब्रेन तुम्हारे हाथ में से दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका मैनेजर बताओ कहाँ क्या है, इसका फ्रंटल लोब कहाँ है, इसका पैराइटल लोब कहाँ है, इसका टेम्पोरल लोब कहाँ है, इसका ऑक्सीपिटल कहाँ है, सब पूछा जाएगा। बोला जाएगा अब इसका सजेटल सेक्शन निकालिए, सजेटल सेक्शन निकालने के बाद आप बताइए इसका मिड ब्रेन कौन सा है, इसका पॉन्स कहाँ है, इसका मिडल ऑफ लॉन्गाटा कहाँ है, इसका सेरिब्रम कहाँ, सेरिबेलम कहाँ है। अब इस सेरिबेलम के अंदर आपको आर्बोर विटी कहाँ दिखाई पड़ रहा है, आपके सेरिब्रम के रीजन में आपको कॉर्पस कैलोसम कहाँ दिख रहा है। फिर आपसे पूछा जाएगा, अच्छा वो फोरामेन बताइए जहाँ से आपका मिडल ऑफ लॉन्गाटा आपके स्पाइनल कॉर्ड से कम्युनिकेट हो रहा है। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, ये हमारा मिडल ऑफ लॉन्गाटा है और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ पर जो फोरामेन होता है उसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मैग्ना। क्या कहते हैं उसको हम? फोरामेन ऑफ मैग्ना। फोरामेन ऑफ मैग्नम से ही मिडल ऑफ लॉन्गाटा और हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है बेटा, कनेक्ट होता है, कम्युनिकेट करता है। ठीक है, चलिए मैं आगे लेकर के चलता हूँ। आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और हैं, आपको बता दें आप कलेक्शन ऑफ द साइटॉन क्या होता है। कलेक्शन ऑफ द साइटॉन दो बातें हैं। अगर साइटॉन मतलब सेल बॉडी का कनेक्शन, वो कलेक्शन है, तो अगर हम उसको क्या बोल रहे हैं बेटा, न्यूक्लियाई कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियाई कह रहे हैं। और हम उसको क्या बोल रहे हैं? गैंग्लिया कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गैंग्लिया और न्यूक्लियाई। आपने पढ़ा था ना हाइपोथैलेमस में अलग अलग टाइप के न्यूक्लियाई पढ़ा था ना, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई, ठीक है, पैराबेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, और आपने पढ़ा था न्यूक्लियाई। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपने पढ़ा, मैं वही एग्जांपल दूंगा, नया नहीं दूंगा। ठीक है, वो न्यूक्लियाई क्या है? नहीं, वो न्यूक्लियाई एक्चुअल में है आपका कलेक्शन ऑफ द साइटॉन, कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी। तो जब भी कभी न्यूक्लियाई शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो आप समझ जाइए कि ये न्यूक्लियाई जो शब्द यूज किया जा रहा है किसके लिए यूज किया जा रहा है बेटा, ये यूज किया जा रहा है सीएनएस के लिए। किसके लिए? सीएनएस के लिए। जानते हैं सीएनएस के दो ही पार्ट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होता है और हमारा क्या होता है बेटा, ब्रेन होता है। ठीक है, अगर जब कभी भी न्यूक्लियाई शब्द का यूज किया जाए, समझ जाइए कि कलेक्शन ऑफ द साइटॉन की बात की जा रही है और ये टर्म किसके लिए यूज किया जाएगा, हमारे सीएनएस के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, और अगर गैंग्लिया वर्ड यूज किया जाएगा तो गैंग्लिया के लिए यूज किया जाएगा, ये यूज किया जाएगा हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए। किसके लिए? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज हो गई कलेक्शन ऑफ द साइटॉन हो गया, और दूसरा आपका आता है कलेक्शन ऑफ द नर्व फाइबर। क्या आता है बच्चे? आता है आपका कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर, कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर। कलेक्शन ऑफ द नर्व फाइबर को दो टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं, एक तो होता है ट्रैक्ट, एक होता है ट्रैक्ट और एक होता है नर्व। ठीक है, तो ये है आपका ट्रैक्ट और दूसरा क्या होता है? नर्व। तो ये जो ट्रैक्ट है और दूसरा नर्व है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो वर्ड हम यूज करें, दो टर्म यूज कर रहे हैं, दोनों अलग अलग सिस्टम के लिए होगा। और आपका ये जो ट्रैक्ट है ये यूज होता है किसके लिए भाई? ये यूज होता है आपका
सीएनएफ के लिए, ठीक है, और ये यूज किसके लिए होगा बेटा, पीएनएफ के लिए। ये किसके लिए यूज होगा, पीएनएफ के लिए यूज होगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम थे, हम इसको थोड़ा सा एम्ब्रियोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं कि हमारा का पूरा जो सीएनएस है, पीएनएस है, पूरा ब्रेन हमारा जो है ये किससे डेवलप होता है बेटा, एक्टोडर्म से डेवलप होता है। किससे डेवलप होगा, एक्टोडर्म से डेवलप होगा, ना कि एंडोडर्म से, ना कि मेसोडर्म से। ये बात आपको पता है कि नहीं पता, ये भैया नहीं पता, ठीक है, तो आप जानिए इसको। तो आपका ये जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है ये डेवलप होता है किससे बेटा, ये डेवलप होता है एक्टोडर्म। इसका जो ओरिजिन है वो कौन सा है, एक्टोडर्म। एम्ब्रियोनिक स्टेज पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। क्लास 12 की एम्ब्रियोलॉजी से थोड़ा सा मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसको। एक होता है न्यूरल ट्यूब, इस न्यूरल ट्यूब के दो रीजन होते हैं, एक एंटीरियर होगा और एक कौन सा होगा, पोस्टीरियर होगा, जिसको हम कॉर्डल पार्ट कहते हैं। इसका दो रीजन होता है, एक होता है इसका एंटीरियर, एक होता है इसका एंटीरियर पार्ट, और दूसरा होता है आपका कॉर्डल। कॉर्डा का मतलब होता है पूंछ, ठीक है, पूंछ का मतलब होता है क्या, पोस्टीरियर, है ना, समझने वाली बात है ना। कॉर्डल रीजन, जैसे आपने मछली बनाई थी, मछली में आपने देखा था उसके सर के पास फिन होता है तो हम उसको पेक्टोरल फिन कहते हैं, फिर पीछे की तरफ होता है तो पेल्विक फिन कहते हैं, फिर पूछ वाला जो फिन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्डल फिन। याद नहीं है तो फिर जैसे ये आपने मछली, एक छोटी सी मछली बनाई आपने, बड़ी खूबसूरत सी मछली बनाई, और ये फिन्स आप देखते हो ना मछलियों के, मछली का ये जो फिन है, मैं कॉर्डा वर्ड को जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो ये जो फिन है ये आपका पेल्विक पेक्टोरल फिन है, ये भी आपका जो है पेक्टोरल फिन है, यहाँ पर एक फिन पाई जाती है, ये नीचे की तरफ होती है, ये आपका पेल्विक है और ये पूंछ की तरफ है, ये कॉर्डल फिन, इसको आप ऐसे समझिए। तो कॉर्डल पार्ट है हमारा किसका, न्यूरल ट्यूब का, न्यूरल ट्यूब का जो कॉर्डल पार्ट है वो किस में डेवलप होता है। वो ऑब्वियसली बात है, बहुत समझने वाली है, दो चीजें हैं अगर इस तरीके से हैं। ये न्यूरल ट्यूब है, ये क्या न्यूरल ट्यूब, इसका एंटीरियर पार्ट है, तो एंटीरियर पार्ट अपर पे है, कॉर्डल पार्ट लोअर पे है, तो एंटीरियर पार्ट किस में डेवलप होगा, बोलो, ब्रेन, ब्रेन में डेवलप होगा ना, एंटीरियर पार्ट किस में डेवलप होगा, ब्रेन, और ये कॉर्डल पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, एग्जैक्टली। तो एंटीरियर पार्ट डेवलप हो रहा है आपके ब्रेन में और कॉर्डल पार्ट डेवलप हो रहा है जिसमें, आपके स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछे बट कंफर्म नहीं, इसके चांस 10% है सवाल आने के, ये वाला 10% मोस्ट प्रोबेबल ये क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन का डेवलपमेंट कब शुरू होता है तो आप बोलोगे कि जब तीसरा वीक शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी का, यानी कि कौन सा दिन, 16th डे, 16वें दिन से शुरू हो जाता है, ठीक है, तब से ब्रेन का फॉर्मेशन, यानी कि प्रिमिटिव स्ट्रीक से, जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनता है, आप थोड़ी सी याद करिए, आप लोग जो है एम्ब्रियोलॉजी वाली बातें जो आप लोग पढ़ के आए हैं, तो वहां से शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा सा इसका बनना। अब क्योंकि ये रिपीटर की क्लास है इसलिए हम इसको रिलेट कर पा रहे हैं, अदरवाइज फ्रेश क्लास होती 11th वाली तो वहां पर ये सारी बातें नहीं बताई जाती, प्रिमिटिव स्टेज क्या होता है और क्या क्या चीजें, एक्चुअलाइज स्टेज क्या होती है, तो नहीं बताई जाती, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और, आपका 70-80% ब्रेन, 70-80% ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो कब हो जाता है, 70-80% ब्रेन डेवलपिंग अप टू 2 years ऑफ द एज, ठीक है, 70-80% ब्रेन का डेवलपमेंट जो है ये डेवलप हो जाता है कितना, अप टू 2 years,
दो साल तक जो है इसका बच्चे का 70-80% ब्रेन जो है डेवलप हो जाता है। इसलिए शुरुआत में ही अगर अच्छा इन्वायरमेंट है, सब कुछ है, शुरुआत में कैसे नहीं है क्या कि बच्चे का दिमाग बड़ा ही कोरा कागज की तरह होता है, उसको जो चीजें दिखाई पड़ती हैं वो बहुत आसानी से उसको सीख जाता है, समझ जाता है ना। तो इसके लिए आप ये माहौल देना पड़ेगा कि भाई बच्चा हमारा जो है बहुत अच्छे से उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हो, और कंप्लीट डेवलपमेंट जो होता है ब्रेन का जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, अच्छा उसके बाद आप अपनी इंटेलिजेंस जो है बढ़ाते हैं, ब्रेन की साइज, ब्रेन का विड्थ, ब्रेन की लेंथ, ब्रेन का डायमीटर, ये जो है ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है कब बताइए। कंप्लीट डेवलपमेंट जो होगा, जो किताबें कह रही हैं, वो 6 ईयर तक हो जाता है। कब तक हो जाता है बेटा? वो 6 ईयर तक हो जाता है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड का जो कम्प्लीटली डेवलपमेंट है वो 4-5 ईयर तक हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट 4-5 ईयर तक हो जाता है। अब ये जो बातें हमने बताई, ये नीट में नहीं पूछेगा, ये नीट में नहीं पूछेगा, जनरल इंफॉर्मेशन भी पता होना चाहिए। शुरू होता है ब्रेन का डेवलपमेंट, शुरू होता है, ठीक है। देखिए बेटा, अब हम नर्वस सिस्टम में हमने बताया कि हमारा ये जो नर्वस सिस्टम है, ये जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम 3 में डिवाइड है। अच्छा शुरू में बताया था ना आपको, इसमें होता 3 में नहीं 2 में। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और आपका क्या है बेटा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 टाइप की नर्व आती है, एक आपकी आती है फ्रेनियल नर्व आती है और एक आपकी कौन सी होती है, स्पाइनल नर्व आएगी ना। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो स्पाइनल नर्व और क्रैनियल नर्व, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं बेटा सीएनएस की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पेशली हम बात करने जा रहे हैं किसकी बेटा, ब्रेन की बात करने जा रहे हैं। ब्रेन के कितने पार्ट हैं बताओ हरीश, कौन कौन से बेटा? एक आपका है फोर ब्रेन और एक आपका है मिड ब्रेन और एक आपका है कौन सा, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये बातें हैं कि नहीं? बिल्कुल, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन को हम बोलते हैं प्रोसिनसिफेलॉन। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रोसिनसिफेलॉन, ठीक है। ये नाम एनसीईआरटी में नहीं है ना, ये वाला नाम नहीं है ना? नहीं, तो बस इसको जानते रहिए, नीट के लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट जो अभी इसके बाद बताएंगे आपको जानना वो जरूरी है। मिड ब्रेन को हम मेसेंसिफेलॉन कहते हैं, मिड ब्रेन को हम बोलेंगे बेटा मेसेंसिफेलॉन, और हाइंड ब्रेन को हम बोलते हैं रोम्बेंसिफेलॉन। अब ये मिड ब्रेन जो होता है हमारे यहाँ पर बड़ा ही रूडिमेंटरी होता है, बड़ा छोटा सा होता है, ठीक है। जितना डेवलप्ड आप हमारा सेरिब्रम है, जितना डेवलप्ड हमारा सेरिबेलम है, जितना प्रोमिनेंट हमें दिखाई पड़ता है, उतना प्रोमिनेंट हमारा मिड ब्रेन नहीं दिखाई पड़ता, बड़ा ही छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। तो हमारा फोकस इन सब पे होगा। तो फोर ब्रेन में आपका आता है सेरिब्रम। फोर ब्रेन में क्या आएगा बेटा आपका? सेरिब्रम। और क्या क्या आएगा बताओ, चुप का है तुम लोग। सेरिब्रम आएगा और फिर उसके बाद डायसेफेलॉन आएगा, सेरिब्रम आएगा और आपका आएगा डायसेफेलॉन आएगा, और डायसेफेलॉन के बाद क्या आएगा जरा बताइए हमें। इसी में आपका आता है लिम्बिक सिस्टम। क्या आएगा इसमें? लिम्बिक सिस्टम।
बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा लिम्बिक सिस्टम, यहाँ पर सुपरफिशियली हमें समझना है, डिटेल आप एमबीबीएस में करिएगा, ठीक है। बाद में यहाँ तक मैं बता दूं आपको कि क्या हुआ था कि... चलो उसको बाद में बताएंगे, क्लास को सब बताएंगे, मजेदार बात। सेरिब्रम, बेटा सेरिब्रम में हमने दो डिवीजन में बांटा, सेरिब्रम को हमने दो डिवीजन में बांटा, मैंने बताया ना ये हमारा ब्रेन है पूरा पूरा, आगे वाला पूरा सेरिब्रम है, यहाँ तक सेरिब्रम है, उसके बाद ये वाला जो है आपका पीछे की तरफ यहाँ पे, ये वाला कहते हैं ना, नाना पाटेकर बोल रहा था ना कि छोटा मगज होता है, तो छोटा मगज ये सेरिब्रम, सेरिबेलम है ना, नाना पाटेकर साहब ना कोई मूवी में बोला था छोटा मगज होता है, मगज मतलब दिमाग होता है, ठीक है। पीछे वाला जो होता है ये हमारा सेरिबेलम होता है, जो कि आपकी बॉडी की बैलेंसिंग में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो ये सेरिब्रम है, तो हमने इसको दो हिस्सों में बांटा, दो हिस्सों में बांटेंगे तो राइट सेरिब्रम और लेफ्ट सेरिब्रम दो हिस्सों में बटेगा कि नहीं बटेगा, राइट वाला सेरिब्रम और लेफ्ट वाला सेरिब्रम, ठीक है। राइट और लेफ्ट सेरिब्रम को कनेक्ट करता है कौन, कॉर्पस कॉलोसम, कॉर्पस कॉलोसम, क्या कौन कनेक्ट करता है, कॉर्पस कॉलोसम, दैट इज अ वेरी वेरी पेटेंट पोर्शन ऑफ द नी, कि राइट सेरिब्रम एंड लेफ्ट सेरिब्रम इन दोनों को बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, क्या बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड टू ईच अदर, आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द कॉर्पस कॉलोसम। नेहरू जी का घर है वहां पे आनंद भवन इलाहाबाद में, वहां पर किसी कार्टूनिस्ट से देखो आंकड़ा गया केस मारा है उसने, वहां पर एक कार्टून है बहुत बढ़िया कार्टून उन्होंने बनाया है और बड़ा अच्छा लगा है। उन्होंने नेहरू जी को क्या किया है कि नेहरू जी को का एक पांव एक नाव पे दूसरा पांव दूसरे नाव पर रखा है और नाव चली जा रही है और नेहरू जी ऐसे खड़े हैं। अभी भी वो कार्टून है, जाकर के आप अनुभव में देख सकते हैं नेहरू जी मत, ठीक है नेहरू जी मत। तो हमने कहा कि अगर हम कार्टूनिस्ट होते तो हम नेहरू जी को पहली नाव पर बैठाते और दूसरी नाव को टोचन कर देते, पीछे बांध देते रस्सी, तो एक ही मेहनत में दोनों नाव पार होती रहती है, तो बेटा मत बनो, ठीक है, ना हम यहाँ के रहे ना वहां के रहे। तो इसके दो रीजन है बेटा सेरिब्रम के, कौन कौन से, राइट वन एंड लेफ्ट वन। तो ये जो राइट वन है, राइट और लेफ्ट दोनों के अलग मतलब बेसिक चार पार्ट होते हैं आपका, फ्रंटल, ये फ्रंटल, ये फ्रंटल होता है, ये कौन सा होता है, पेराइटल होता है, पेराइटल होता है और ये ऑक्सीपिटल होता है। जिस तरीके से क्रैनियल बोन्स आपको मैंने बताया था कि फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फिर स्फेनॉइड और एथमोइड बोन हमने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर स्फेनॉइड और एथमोइड को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ नाम ले रहे हैं, फ्रंटल रीजन, पेराइटल रीजन, टेम्पोरल रीजन और ऑक्सीपिटल रीजन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ब्रेन के जो सेरिब्रम के दो अलग अलग पार्ट हैं, राइट सेरिब्रम और लेफ्ट सेरिब्रम, इसके भी चार रीजन आपको दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। कौन कौन से, हर एक के चार चार रीजन दिखाई पड़ते हैं, कौन कौन से भाई, आपका होगा फ्रंटल, अच्छा सबके अंदर अपना अलग अलग काम होता है, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और आपका ऑक्सीपिटल, ये आपके चार रीजन होते हैं हर राइट और लेफ्ट दोनों के सेरिब्रम में, चार चार ये रीजन होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डायन्सेफेलॉन, याद करिए जब केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बताया था तो मैंने बताया था कि ये डायन्सेफेलॉन के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं भाई, तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं जरा सा ध्यान दीजिए, वो तीनों पार्ट आपको याद आ जाएंगे। पहला तो था आपका हाइपोथैलेमस, कौन सा था, हाइपोथैलेमस, दूसरा था आपका थैलेमस, दूसरा था आपका थैलेमस और तीसरा था आपका एपिथैलेमस,
एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर, ठीक है। हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे। हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे। अगर हम इसको थोड़ा सा हम एक हाइपोथेटिकल डायग्राम से समझाने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसे समझिए कि ये वाला रीजन जो आपको दिख रहा है, ये इसको हम मान लेते हैं ये है हमारा थैलेमस। ये हमारा क्या है? थैलेमस। थैलेमस के ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर इस रीजन पर आपको दिखाई पड़ेगा क्या? एपी थैलेमस। और नीचे की तरफ आपको क्या दिखाई पड़ेगा बेटा? हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये वाला एपी थैलेमस हो गया और ये वाला कौन हो गया भाई? हाइपोथैलेमस। तो आप इसको ऐसे समझिए, हाइपो का मतलब नीचे, किसके नीचे? थैलेमस के नीचे। एपी का मतलब ऊपर, इसके ऊपर? थैलेमस के ऊपर। तो एपी थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये आपका जो एपी थैलेमस, हाइपोथैलेमस और आपका थैलेमस है, इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एपी थैलेमस का जो रोल है आप जानते हैं, वो क्या बनाता है बेटा? आपका फाइनल ग्लैंड बनाता है, जिसको हम थर्ड आई भी कहते हैं। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है जल्दी बताइए? बताइए, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक। और ये किसका मेन काम क्या होता है जरा बताइए? मेलाटोनिन बॉडी रिथम को मेंटेन करना, स्लीप वेक साइकिल। हार्मोन का मेलाटोनिन का काम पिगमेंटेशन होता है। अगर मेलाटोनिन नहीं, मेलाटोनिन का काम पिगमेंटेशन। ठीक है सर्कैडियन रिदम को कौन कंट्रोल करता है? सर्कैडियन रिदम को कौन कंट्रोल करता है? स्लीप एंड अवेक साइकिल कौन कंट्रोल करता है? आपका यही मेलाटोनिन कंट्रोल करता है, आपका पाइनल ग्लैंड करता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पर बताइए? ब्रेन सैंड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है और इजिली आप एक्सरे से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। अब बताए थे हम आपको लिम्बिक सिस्टम, आपका इमोशन वगैरह जो होता है जो कंट्रोल करता है, ये लिम्बिक सिस्टम का काम है, हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर के काम करता है। इस लिम्बिक सिस्टम में, इस लिम्बिक सिस्टम में तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। वो तीनों चीजें कौन कौन सी होती हैं? एक तो आपका होता है लिम्बिक सिस्टम में हिप्पोकैम्पस होता है। हिप्पोकैम्पस इसलिए कह रहे हैं कि अगर इसका डिटेल स्टडी जब आप एमबीबीएस में करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जो दरियाई घोड़ा होता है जिसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। अबे हिप्पोपोटामस अलग है भाई, हिप्पोपोटामस अलग है, हिप्पोकैम्पस अलग है, ठीक है। हिप्पोपोटामस अलग है, थोड़ा सा खामोश बैठा करो, यू आर नॉट इन 11th क्लास, ठीक है। हिप्पोपोटामस अलग है, हिप्पोकैम्पस अलग है। हिप्पोकैम्पस जो सीधा तैरता है, देखा है ना हिप्पोकैम्पस? सी हॉर्स कहते हैं उसको। यस सर, सी हॉर्स, ठीक है। हिप्पोकैम्पस होता है और इसके अंदर होता है आपका एमिग्डाला होता है और तीसरा क्या होता है बेटा? सेप्टम होता है। तो सुपरफिशियली हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं किसकी बात? मिड ब्रेन की बात। पहले इतना छाप लो आप लोग, इतना लिख लो पहले जल्दी से फटाफट। कंफ्यूजन दूर हुई तुम्हारी? अभी जो लड़ाई कर रहे थे तुम दोनों, ये बात हो गया? सही बात है। दोनों एक ही अमीनो एसिड से डेराइव्ड है। MSH जो है मिनरलसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो मेलेटोनिन है वो भी आपका कंट्रोल होता है, बट जो मेलेटोनिन का मेन फंक्शन है वो स्लीप और अवेकफुल साइकिल को कंट्रोल करना होता है। मेलानिन क्या है? मेलानिन जो है आपके टायरोसिन से डेराइव होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ द टायरोसिनेज एंजाइम। याद आया कुछ? बोलो,
नहीं याद आ रहा है, तो इसीलिए तो जो एल्बिनिज्म हो रहा था एक इनबॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म में जब आपने पढ़ा था, तो वहां पर एक टायरोसिनेज एंजाइम की एक्शन थी, इसकी वजह से टायरोसिन का कन्वर्जन मेलानिन में नहीं हो पा रहा था और वो बंदा या बंदी बहुत ज्यादा गोरे हो जा रहे थे, वाइट हो जा रहे थे, भूरे भूरे हो जा रहे थे, उनका बाल, उनके आईब्रोज, उनकी स्किन बिल्कुल वाइट हो जा रही थी। एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड द एल्बिनिज्म। ठीक है, चलिए हम उस पर नहीं बात करेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा मिडब्रेन की, या इसको हम बोलते हैं मेजर सेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा उधर खिसकाते हैं और हम बात करते हैं मिडब्रेन की। हम जनरल आउटलुक आपको दे रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से समझना है। मिड ब्रेन में बेटा, क्योंकि बहुत छोटा होता है, रूडिमेंट्री होता है, मिड ब्रेन में दो चीजें पाई जाती हैं जिसको हम कॉलिक्यूलर कहते हैं। और ये कॉलिक्यूलर जो होते हैं वो चार होते हैं, दो ऊपर होता है, दो ऊपर होता है और दो नीचे होता है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलर और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर कॉलिक्यूलर। इन चारों को मिलाकर के हम बोलते हैं कॉर्पोरा कॉर्डी जेमाइना। कॉर्पोरा मतलब बॉडी होगी, कॉर्डी मतलब चार हो गया, जेमाइना उसका नाम से रिलेट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऊपर है तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, सुपीरियर कॉलिक्यूलर, सुपीरियर कॉलिक्यूलर। और नीचे वाले को हम बोलते हैं बेटा इंफीरियर कॉलिक्यूलर, इंफीरियर कॉलिक्यूलर। कल क्लास लगा दूं क्या आपकी? कल क्लास लगा दूं? क्रिकेट खेलने चलेंगे हम, तब क्लास होगी? ठीक है, सुपीरियर कॉलिक्यूलर और इंफीरियर कॉलिक्यूलर, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो फंक्शन आपको यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ ये मिनट से आपसे पूछ लेगा। सुपीरियर कॉलिक्यूलर क्या करता है कि ये विजुअल एक्शन में हमारी मदद करता है डायरेक्टली, इसमें विजुअल एक्शन। और इंफीरियर कॉलिक्यूलर जो होता है ये ऑडिटरी वाला काम करता है। कौन सा काम करता है बेटा? ऑडिटरी वाला काम करता है, सुनने वाला काम करता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता हाइंड ब्रेन। चलिए ये लिख लिया आपने सुपीरियर कॉलिक्यूलर और इंफीरियर कॉलिक्यूलर। उसके बाद आपका आता है बेटा हाइंड ब्रेन। जब भी हम कभी हाइंड ब्रेन की बात करेंगे तो इसमें आपको याद करना होगा कि आपका ये जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है बेटा। ऊपर से चलेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका है, ये ठीक है, चिड़िया बन गई ना, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, इसके पीछे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा क्या, सेरिबेलम दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये आपको सेरिबेलम दिखाई पड़ेगा। ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं बेटा मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं पॉम्स। याद करिए, हमने आपको बताया था जब ब्रीदिंग कंट्रोल एंड रेगुलेशन के बारे में बताया था, वहां पर इन सारी चीजों के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, पॉम्स, और यहाँ पर होता है छोटा सा आपका मिडब्रेन। और ये जो रीजन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बेटा सेरिबेलम। क्या कह रहे हैं इसको हम? सेरिबेलम। तो आपके हाइंड ब्रेन में ये तीन चीजें जो है इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सा? आपका सेरिबेलम, आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा और आपका पॉन्स। शराब पीने के बाद लोग बातें बड़ी अच्छी करते हैं भले सीधे ना खड़े रह पाए, और उस वक्त उनके मुंह से जो बातें निकलती हैं बिल्कुल सच होती हैं, बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, उनमें कोई जो है इफ और बट नहीं रहता। लेकिन वो सीधे खड़े नहीं रह सकते, सहारा लेकर के जो है बात करेंगे। ठीक है, होता क्या है कि शराब पीने के बाद हमारा जो सेरिबेलम है वो डिस्टर्ब होता है, सेरिबेलम डिस्टर्ब नहीं होता। बात आप समझिए, मीट का क्वेश्चन है, सेरिबेलम अफेक्ट करता है लेकिन बातें बहुत सही सही करेगा। इसीलिए कहते हैं बॉस से बात करनी है तो दो पैक लगाने के बाद जाता है बंदा बॉस से एकदम डायरेक्टली बात करता है, जो भी मुंह में आता है वो बोलता है, भले उसको फायर कर दिया जाए जॉब, लेकिन सारी बातें बिल्कुल सही करेगा। ठीक है, बस इसमें आपको याद क्या करना है, याद क्या ये करना है कि सेरिबेलम डिस्टर्ब होता है शराब पीने से। ठीक है, ब्रेन आपका डिस्टर्ब नहीं होता। ब्रेन किस चीज से डिस्टर्ब होगा? जिसको आप छुप छुप के देखा करते हैं,
ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिसको अभी आप छुप छुप के देख रहे हो, 5 साल के बाद आपको उसी को देखने के लिए आपको पैसे मिलेंगे। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? आ गई सर अच्छी तरीके से। लड़का समझ गया? हाँ, इसकी एक डिपार्टमेंट की होगी ना यार, हो सकता है वो गायनेकोलॉजिस्ट हो जाए और तुम एमडी फिजिशियन हो जाओ, पीडियाट्रिक्स हो जाओ, तो वो अपने बच्चों को लेकर के नहीं आएगी? हाँ, 1000 रुपए में बच्चों को भी देखो, उसकी माँ को भी देखो। आपकी फीस होगी ना 1000 रुपया। देखो ऐसा है, एमबीबीएस करने के बाद बेटा स्ट्रगल बहुत है, ठीक है। जैसे तिल्ली का वो होता है ना, खेती होती, वैसे डॉक्टर इफरात है। और अच्छा डॉक्टर कौन है? वो चुने हुए हैं, चुनिंदा डॉक्टर है। अब जो वन नाइट फुल फाइट वाला डॉक्टर होगा कि पूरी रात पढ़ा, दूसरे दिन का एग्जाम देकर के चला आया, वो तो पास हो गया ना, अच्छा डॉक्टर थोड़ी बनेगा वो। अब जैसे हरित नायक जैसा लड़का है, वो पूरे साल रिग्रेस मेहनत करेगा, टॉप भी करेगा, अब बढ़िया डॉक्टर बनेगा। शुक्ला तुम जो है वो बनना, ऑर्थोपेडिक बनना, हड्डी तोड़ना, न्यूरोलॉजिस्ट बनो तो ठीक है, उसी ब्रेन की तरफ ध्यान दो। तो इसकी बात आपको समझ में आ गई, पॉन्स हो गया, मेडुला ऑब्लोंगाटा हो गया, सेरिबेलम हो गया। अच्छा एक चीज और यहाँ पर मैं बताता हुआ चलू, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए, अगर हम एक पेड़ बनाते हैं, पेड़ का ये वाला रीजन क्या है? ये स्टेम। स्टेम क्यों स्टेम कह रहे हैं? क्योंकि जितने भी इसके नोड्स और इंटर नोड्स होंगे सब एक एक्सिस में होंगे। ठीक वैसे ही ये भी तो है, आपका मिड ब्रेन, आपका पॉन्स, आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा एक एक्सिस पर मौजूद है, इसीलिए इसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स और आपका मिड ब्रेन, ये सब एक एक्सिस में होने की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेन स्टेम कहते हैं। कभी भूलना नहीं आप लोग, ठीक है। अगर ब्रेन स्टेम में आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि मेडुला, पॉन्स और सेरिबेलम, नहीं, मेडुला, पॉन्स और हाइपोथैलेमस, नहीं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा, दिस इज द पार्ट ऑफ, दिस इज नोन एज द मिड ब्रेन, सॉरी ब्रेन स्टेम, ठीक है। ये समझ में आ गई बात? यस सर। तो आपके हाइंड ब्रेन में 3 चीजें आ गई, हाइंड ब्रेन में आपका आ गया सेरिबेलम आ गया, पॉन्स आ गया और मेडुला ऑब्लोंगाटा आ गया, ठीक है। कौन कौन सा आ गया? आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा, आपका पॉन्स और आपका सेरिबेलम। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? यस सर। क्या वही वही बैलेंसिंग वाली बात है सेरिबेलम की? ठीक, हो गया? यस। थोड़ा सा इसको हम क्लैरिफाई करेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि हम ऊपर की तरफ जब देख रहे थे इस तरीके से, ये आपका कौन सा पार्ट है? सेरिब्रम का पार्ट है। सेरिब्रम से ठीक नीचे हम आएंगे तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा बेटा? डायनसेफलॉन दिखाई पड़ेगा। डायनसेफलॉन में कौन कौन सी चीजें होती हैं? थैलेमस होगा, हाइपोथैलेमस होगा और क्या होगा? एपिथैलेमस होगा। एपिथैलेमस तो हम उसको हम एक सिंगल स्ट्रक्चर से डिनोट कर देते हैं, ये हमारा डायनसेफलॉन का पार्ट है। डायनसेफलॉन से ठीक नीचे आएंगे, एक इसका ओवरव्यू मैं दिखा रहा हूँ। डायनसेफलॉन से ठीक नीचे आएंगे तो हमें कौन सा पार्ट दिखाई पड़ेगा बेटा? मिड ब्रेन दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर हमें दिखाई पड़ेगा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के ठीक नीचे आएंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा बच्चे? बोलो जल्दी से। पॉन्स। मिड ब्रेन के ठीक नीचे आएंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा पॉन्स दिखाई पड़ेगा, सेरिबेलम दिखाई पड़ेगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा उसके नीचे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो एक साथ हमें दिखाई पड़ेगा पॉन्स और सेरिबेलम और फिर हमें दिखाई पड़ेगा क्या? मेडुला ऑब्लोंगाटा। यहाँ तो ये जो है पार्ट हो गया ब्रेन के।
तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया बेटा, ये वाला पार्ट हो गया हमारा सेरिब्रम का, ये वाला पार्ट हमारा हो गया कौन सा, डायन्सेफेलॉन का, ये पार्ट होगा डायन्सेफेलॉन का। उसके बाद ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, अभी बताइए फटाफट बोलो, ये आपका मेम्ब्रेन का पार्ट हो गया, और फिर ये आपका कौन सा हो गया, ये हो गया आपका पॉन्स और सेरिबेलम का पार्ट हो गया, ये हम आपका सीक्वेंस बता रहे हैं, और तीसरा आपका ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, इसको बनाएंगे। अब मैं कुछ आपको कैविटीज बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कुछ कैविटीज बताता हूँ कि कौन कौन सी कैविटीज होती है, कौन कौन सी कैविटीज होती है। तो ये तो कैविटीज की बात हम कर ले रहे हैं, अब ये जो हमारा सेरिब्रम है, राइट और लेफ्ट दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बटेगा, तो इसमें जो वेंट्रिकल पाया जाएगा, जो वेंट्रिकल आपका सीएसएफ का फॉर्मेशन करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है, तो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में वेंट्रिकल पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, लैटरल वेंट्रिकल, और ये लैटरल वेंट्रिकल्स आपके फर्स्ट और सेकेंड दो में आप कह सकते हो, बट जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल वेंट्रिकल कहते हैं। तो यहाँ पर जो वेंट्रिकल होगा वो आपका लैटरल वेंट्रिकल होगा, ये कहां पर, सेरिब्रम में जो वेंट्रिकल होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, लैटरल वेंट्रिकल। लैटरल वेंट्रिकल के ठीक नीचे हम जब आएंगे तो आपको डायन्सेफेलॉन के रीजन में थर्ड वेंट्रिकल दिखाई पड़ेगा। हम कैविटीज की बात कर रहे हैं, कैविटी का मतलब होता है वेंट्रिकल, यहाँ से ब्रेन के केस में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा आपको थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये कहलाता है आपका लैटरल वेंट्रिकल, ये कहलाएगा आपका लैटरल वेंट्रिकल, और ये वाला जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बेटा थर्ड वेंट्रिकल, यह है आपका थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के ठीक नीचे आपको क्या दिखाई पड़ेगा बताओ भाई, बोलो, हाँ नहीं पता, अभी ये तो पढ़ा होगा ना, कल मैंने बताया था एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस बताया था, इटर के बारे में बताया था थोड़ा सा, कि मैंने बताया था कि अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो सीएसएफ हमारे ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट कर जाएगा, तो एक डिसीज होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोसेफेलस। तो आप देखिए यहाँ पर सीएसएफ का फॉर्मेशन तो हो गया, फिर आपको एक छोटा आप क्या दिखाई पड़ेगा, ये एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस दिखाई पड़ेगा। अभी एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस जाकर के कम्युनिकेट करेगा किसके साथ, ये कम्युनिकेट करेगा आपके फोर्थ वेंट्रिकल के साथ जाकर के कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो ये जो है फोर्थ वेंट्रिकल दो रीजन में बटा होता है, अपर वन एंड लोअर वन, ये लोअर वन नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मैंने कहा था थोड़ा सा इधर उधर होंगे। ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों है आपके फोर्थ वेंट्रिकल, ये आपकी कैविटीज हो गई, ये आपकी कैविटीज हो गई, किसकी, आपकी ब्रेन की कैविटीज हो गई, इस चीज को समझिए। ना बेटा अब हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेन की कवरिंग की बात करेंगे, हमारे ब्रेन की कवरिंग कैसे, पहले लिखिए उसको, बच्चे लोग जो मोबाइल के अंदर है हमारे, ये सब सिद्धांत, मोहिनी, निशा, मेघा, अंकुश, नेहा, रमा सोलंकी और स्नेहा यादव, अपने अपने कैमरा और फोन कर लीजिए। सिद्धांत बातें तुमको पूरी समझ में आती हैं,
रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा करते हो, तो नंबर कम क्यों आते हैं? सर वो अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है पढ़ने पीछे का जो छूट बार-बार। बेटा एक ही चीज है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तीसरा कोई जो है ऑप्शन नहीं। अब जैसे मुझे इस बार उम्मीद थी कि ऋतिक शुक्ला और हरीश नायक और रमा सोलंकी, जिन बच्चों का नंबर 300 के आसपास का रहता है, उनका नंबर 350 के प्लस आएगा, क्योंकि पेपर हमने बहुत आसान बनाया था। बट हुआ क्या? रमा तुम्हारे कितने मार्क्स थे? 515। मैं नहीं कह रहा ना 725, 720 का तो पेपर ही 690-700 का पहुंचेगा। इस बार तो सिलेबस पहले बता दिया है ना आपको, और आपके पास टाइम भी है, 7 दिन का टाइम है, दबा के जो है हर दिन एक एक टॉपिक के 250 क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो आप क्यों फाड़ रहा है भाई, 250 क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखते हैं बायो में। 250 क्वेश्चन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ जो है आपका एक घंटा जाएगा। अरे भाई जो आ रहा है वो करोगे, जो नहीं आ रहा उससे थोड़ी कैलकुलेशन करना है, आगे बढ़ना है उसको छोड़ करके, फिर उसके डाउट अपने साथियों से पूछो, साथियों सॉल्व नहीं होता तो हमारे पास आओ। ये सिंपल सा फेनोमेना होता है, तो करते ही। चलिए अब एक चीज समझिए, हमारा ब्रेन बड़ा ही प्रोटेक्टिव है। ब्रेन क्या है? बड़ा ही प्रोटेक्टिव है। हाईएस्ट स्पीड ऑफ कोऑर्डिनेशन ये मैनेज करता है हमारा ब्रेन, सुपीरियर है, सबसे ऊपर ईश्वर ने बनाया। दिमाग को घुटनों में नहीं दिया, जो कहावत कही गई है कि तुम्हारे दिमाग क्या घुटनों में है जो काम नहीं कर रहा है, घुटनों में दिमाग नहीं दिया है, ब्रेन को हमेशा सुपीरियर रखा है। और जो चीजें सुपीरियर होती हैं उसका जो प्रोटेक्शन होता है वो सबसे ज्यादा हाई होता है, सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अब देखिए हमारी जो स्किन है के ऊपर, स्कल के ऊपर जो स्किन है, क्रेनियम के ऊपर जो स्किन है, नेचर ने इसको खींच करके इसे बांध दिया है, ऐसे बहुत ही स्ट्रेच्ड मैनर में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच है। आप देखिए एक छोटा सा कट लगाइए, आप बहुत मामूली सी बात कर रहे हैं हम, एक 1/2 इंच का कट लगाइए, वही कट आप यहाँ पर लगाइए, डीप कट लगाइए और वही डीप कट आप यहाँ पर लगाइए, देखिए किसकी स्किन के अंदर ज्यादा जो है विड्थ आती है। तो आप देखोगे यहाँ पर अगर कट मारोगे तो नॉर्मली हल्का सा फैलेगा, लेकिन यहाँ पर हल्का सा अगर कट मारे तो स्किन बहुत ज्यादा फैल जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है, और यहाँ की स्किन जो है एज कम्पेयर टू यहाँ की स्किन के, हाथों की स्किन के, पैर की स्किन के, ये ज्यादा टफ, इतनी स्ट्रेच्ड है कि आप इसकी स्किन को, अपने सर की स्किन को आप चुटकियों में पकड़ नहीं सकते। पकड़ करके दिखा दीजिए, जा माथे की नहीं कह रहा रे, यहाँ पकड़ के देखो, पकड़ में आएगी, पकड़ के देख लो, मुझे तो पकड़ में नहीं आती, हो सकता है आपकी स्किन पिलपिली हो, थोड़ा सा पकड़ में आ जाए। हाँ मेरी तो नहीं आ रही पकड़ में, आपकी आती है, पकड़ करके देख, नहीं आ रही है और आएगी भी नहीं, क्योंकि नेचर ने इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके क्या किया है, नेचर ने, आप ईश्वर मान लीजिए चाहे जो मान लीजिए, ठीक है, उसको स्ट्रेच करके ना। स्किन, स्किन के नीचे बोन, और स्किन भी टफ है, जो क्यूरियोसिटी है ना उसको समझिए। बस आप इतना जानते हैं कि ड्यूरामेटर होता है, एराकनॉइड होता है, पायरामेटर होता है, डीएपी होता है ना, ब्रेन के ऊपर की जो कवरिंग, बट इस डीएपी के ऊपर भी तो कवरिंग है। कौन कौन सी कवरिंग है? आपका स्कल आता है, मतलब ये आपकी क्रैनियल बोन आती है, क्रैनियल बोन के ऊपर क्या आता है, आपकी स्किन आती है, स्किन के ऊपर आपके हेयर आते हैं, है ना। जैसे एक लड़का बहुत बड़ा बड़ा बाल रखा था तो टीचर कहता है कि मैं जो बात बोलता हूँ तुम्हारे बाल में फंस जाता है, अंदर तक जाता ही नहीं। और एक दूसरा लड़का जीनियस था, वो भी बड़े बड़े बाल रखता था, तो उसको टीचर क्या बोलता है, जो मैं बात बोलता हूँ वो सब अपने बाल में फंसा लेता है, धीरे धीरे समझता है, है ना।
तो ये टीचर है, बातों को कैसे मैनिपुलेट करना होता है उनको आता है। तो बेटा देखिए स्किन है, स्किन के नीचे आपकी बोन दिखाई पड़ेगी, बोन के ऊपर की जो कवरिंग होती है सबसे बाहर वाली कवरिंग क्या कहते हैं उसको, कोई नहीं बोलेगा। बोलो गौरव, बोलो बोन के बाहर की कवरिंग। कौन सी कवरिंग होती है? नहीं पढ़ा है? पढ़ाया है, टिश्यू पढ़ाया था तब पढ़ाया है, हो ही नहीं सकता कि ना पढ़ाया हो, तो टिश्यू पढ़ा रहे थे तब पढ़ाया है। देखो सबसे बाहर कवरिंग स्किन है, कवरिंग ऑफ द ब्रेन की बात कर रहा है। एक्चुअल कवरिंग तीन होती है, कवरिंग ऑफ ब्रेन की बात हम कर रहे हैं। सबसे एक्चुअल कवरिंग हमारी कौन सी होती है उसको हम बोलते हैं बेटा मेनिंजेस या मेनिंग, मेनिंजेस या मेनिंग कहते हैं। और ये जो है बेटा तीन होती है, ड्यूरा मैटर, दूसरा होता है आपका अरेक्नॉइड, दूसरा क्या होता है बेटा अरेक्नॉइड, और तीसरा होता है आपका पायलट। तीसरा क्या होता है पायलट, डीएपी। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे बाहर की तरफ जो कवरिंग होगी ये आपकी ड्यूरा मैटर, के बाद आपका दिखाई पड़ेगा ये आपका अरेक्नॉइड, और फिर आपको दिखाई पड़ेगा क्या बहुत ही फाइन लेयर होती है जिसकी एरेक्नॉइड की। ठीक है, एरेक्नॉइड बाहर की तरफ जो लेयर है इसको हम बोल रहे हैं बेटा ड्यूरा मैटर। ये जो दिख रहा है आपको इसको हम बोलते हैं एरेक्नॉइड, और ये नीचे की तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है पायामीटर। एक्चुअल में ये जो लेयरिंग आप देख रहे हो सबसे बाहर की तरफ ड्यूरा मैटर है, फिर आपका एरेक्नॉइड है, ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में ये जो स्पेस आपको दिखाई पड़ रहा है इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होगा वो आपका नॉर्मल सा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा। यहाँ पर ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बेटा सब, मतलब नीचे ड्यूरल, मतलब ड्यूरामीटर के नीचे ये स्पेस है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोलेंगे इसको हम? सब ड्यूरल स्पेस। उसके बाद अरेक्नॉइड मैटर है, इसके नीचे का ये जो स्पेस दिखाई पड़ रहा है इसको हम बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। नाम देखिए अरेक्नॉइड है, क्या नाम है इसका? एरेक्नॉइड है। एरेक्नॉइड वर्ड आया है एरेक्नीडा से, एरेक्नीडा में आते हैं आपके स्पाइडर, स्पाइडर बनाता है वेब, वेब का मतलब होता है जाल। तो ये वाली जो लेयर होती है बड़ी जो है क्या होती है? रेटिकुलेट होती है। कैसी लेयर होती है? रेटिकुलेट होती है। नाम से रिलेट कर रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी में नहीं ना आपके एग्जाम में पूछे गए, बट आपको याद करने के लिए आसानी होगी। एरेक्नॉइड वर्ड कहाँ से आया है? रिक्नॉइड वर्ड आया है कहाँ से? एरेक्नीडा से। और एरेक्नीडा में आता है हमारा स्पाइडर, स्पाइडर क्या करता है? वेब जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, अपना घर बनाता है शिकार को पकड़ने के लिए, अंडे वंडे नहीं देता वहां पे, वो खाली जाल बना करके किनारे बैठ जाती है स्पाइडर ऐसे चिपके से, ताकि मक्खी तुरंत उसमें फंसे तो जा करके उसको खा सके। तो वेब जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, रेटिकुलेट होता है, इसीलिए हम उसको एरेक्नॉइड कहते हैं। उसके बाद ये जो पाया मैटर है, ये पाया मैटर आपको डिस्टिंग्विश लेयर नहीं दिखाई पड़ेगी। देखो इधर हमारी तरफ ये पाया मैटर डिस्टिंग्विश लेयर दिखाई नहीं पड़ेगी, बल्कि ये जो ब्रेन की जो टिश्यूज हैं उसके साथ बिल्कुल इस तरीके से एडहेयर्ड होंगी, इस तरीके से चिपकी हुई होंगी कि इसको आप तो पहचान नहीं पाओगे पाया मैटर है। बिल्कुल जैसे ये जहां मतलब जहां तहां ये क्या होती है बेटा, ब्रेन के टिश्यूज के अंदर ये एम्बेडेड होती है और उसके ऊपर एक बहुत ही चिपकी हुई सी लेयर बनाएंगी। ठीक है,
जब आपको ब्रेन मिलेगा डाइजेशन करने के लिए तब आप उसको लीजिए, और लेने के बाद आप पायर मेटल को बहुत माइन्यूटली बहुत सावधानी से आप उसको जो है सोर्सेस से आप हटा करके देख सकते हो। ठीक वैसी ही लेयर आपको दिखाई पड़ेगी जब आप प्याज को छीलते हैं, तो प्याज जब छीलते हैं तो प्याज की जब ट्यूनिका को निकालते हैं, तो ट्यूनिका को निकालने के बाद भी आपको बहुत ही फाइन फाइन माइन्यूट सी लेयर ट्रांसपेरेंसी दिखाई पड़ती है, व्हाइट व्हाइट की, है ना। देखो समझ गया ना, किचन तक एग्जांपल लेकर गए, बिल्कुल ऐसे ही हमारा जो है पाया मेटल होता है। पाया मेटल हमारे ब्रेन के टिश्यूज के अंदर एम्बेडेड होता है, उसकी एक पूरी पूरी लेयर बनाता है। तो पाया मेटल का वो रीजन जो टिश्यूज के अंदर पूरी तरीके से एम्बेडेड होता है उसको हम टीला कोराइडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? टीला कोराइडिया कहते हैं, लिखवाऊंगा नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं? टीला कोराइडिया। पढ़ाने भी बहुत है, बहुत इतना है कि आपको गाइटन हॉल और जो है क्या कहते हैं गेनॉन्ग भी हम पढ़ा सकते हैं, बट अभी जरूरत नहीं है उन चीजों की। वो जो है ना उसमें 15-20 पेज के जो चैप्टर है उसी पर फोकस करना है। तो आपको समझ में आ गया। अब ये जो सब एरेक्नॉइडल स्पेस है आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें जो फ्लूड भरा होगा वही फ्लूड हमारा क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड है। वो क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड होता है। यहाँ पर जो फ्लूड होगा वो कौन सा होगा बेटा? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड होगा, और यहाँ पर नॉर्मल इंटरस्टिशियल फ्लूड होगा। ठीक है, ये बात आपको समझना होगा। अब मैं आपको यहाँ पर लेकर के चलता हूँ कि सबसे बाहर की तरफ आपका क्या है बेटा? ये आपकी स्किन है, स्किन के ऊपर ये आपके हेयर्स निकले हुए हैं, ये बाल है आपका। उसके बाद आपका एक और मोटा लेयर आता है, वो मोटा लेयर कौन सा होता है? ये आपका स्कल है, स्कल के या क्रेनियम, क्रेनियम के ऊपर की जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं बेटा पेरिओस्टियम कहते हैं। पेरिओस्टियम के बाद आपका पूरा आपको क्या दिखाई पड़ेगा बेटा? ये पूरा स्कल दिखाई, ये क्रेनियम दिखाई पड़ेगा, बोन दिखाई पड़ेगा। ये बोन के नीचे जैसे ही आप आएंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा? आपको दिखाई पड़ेगा ड्यूरामेटर, और फिर आपको क्या दिखाई पड़ेगा भाई? आपको दिखाई पड़ेगा एरेक्नॉइड मैटर या एरेक्नॉइड एरिया दिखाई पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिखाई पड़ेगा? फाइनली आपको दिखाई पड़ेगा पाया मैटर। ठीक है, ये जो है कवरिंग आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड, ये हमारी कवरिंग। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ हम आ रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं मैं बता दूं आपको, नोट डाउन कर लीजिए। ये आपकी स्किन है, ये बोन का बाहरी लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिओस्टियल कहेंगे। ये पूरा बोन है, सब चिपका हुआ रहता है इसके साथ। ये जो दिख रहा है ये है आपका ड्यूरामेटर, ये आपका है एरेक्नॉइड, ये आपका है पायर मेटर। स्पेस जो दिख रहा है ये क्या है? सब एरेक्नॉइडल स्पेस, और ये क्या है? सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, और ये पार्ट जो जाकर के एम्बेडेड होता है किसके साथ? ब्रेन के टिश्यूज के साथ, एम्बेडेड इन योर ब्रेन टिश्यू। Embedded in brain tissue. तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? टीला कोराइडिया। क्या बोलेंगे इसको हम? टीला कोराइडिया। अब इसके ड्यूरामेटर के अलग अलग जगह पर क्रेनियल साइनसेस होते हैं जहां पर ब्लड की सप्लाई होती है। ड्यूरामेटर के अलग अलग रीजन में आपको क्रेनियल साइनसेस मिलेंगे जहां पर ब्लड की सप्लाई होती है। और एरेक्नॉइड मेटर कैसा होता है बेटा बताइए? हाईली आर्टिकुलेटेड होता है, डेलिकेट लेयर होता है, मिडिल लेयर होता है, सिर्फ और सिर्फ ये मैमल में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, एरेक्नॉइड मैटर में लिखिए या ड्यूरामेटर में लिखिए। ड्यूरामेटर में क्या है बेटा? ये आउटर है, ठीक है,
स्ट्रॉन्ग है और इलास्टिक लेयर है। ऐसा ही ये आपका है आउटर है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है और इलास्टिक लेयर है, ठीक है। व्हेन यू टॉक अबाउट द अरेक्नॉइड लेयर, अरेक्नॉइड लेयर में इट इज मिडिल थिन एंड डेलिकेट लेयर, मिडिल थिन एंड डेलिकेट लेयर, ओनली फाउंड इन मैमल, ओनली फाउंड इन मैमल, ओनली फाउंड इन मैमल, ठीक है। इसी के लिए इसी में लिखें एट सेवरल प्लेसेस इट फॉर्म्स विलाई लाइक फोल्डिंग, एट सेवरल प्लेसेस इट फॉर्म्स विलाई लाइक फोल्डिंग, विलाई। अब विलाई है तो इसका काम क्या होगा बोलो, अब्जॉर्प्शन का होगा ना, क्या अब्जॉर्ब करेगा, यहाँ खाना वाना तो है नहीं, सीएसएस अब्जॉर्ब करेगा, कॉमन सेंस, ठीक है। विलाई लाइक फोल्डिंग टू एब्जॉर्ब सीएसएस, ठीक है। ड्यूरामेटर इलास्टिक लेयर होती है। पायरामेटर की बात करेंगे, ठीक है, ये जो हमने इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा है इसको कभी कभी हम सीरस फ्लूइड भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें आप, इसको हम सीरस फ्लूइड भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइए आप। अगला पॉइंट है इसमें पायरामीटर में इट इज हाईली वेस्कुलर, हाईली वेस्कुलर, थिन एंड ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, and firmly attached to the brain, 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 ठीक है। तो ये पायरामीटर की बात हो गई। अब देखिए बेटा ये जो है जो ब्रेन की बात कर रहे थे तो आगे ले कैसे चले आप, पहले चीज कर सकते अभी बना नहीं, बना नहीं। ब्रेन की जो साइज है साइज से इंटेलिजेंस का पता नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। अब जैसे औरतों की ब्रेन का जो वेट होता है वो थोड़ा सा मर्दों के ब्रेन से कम होता है, इसका मतलब ये नहीं कि औरतों का दिमाग छोटा होता है, और ऐसा भी नहीं कि आदमियों का दिमाग बड़ा होता है, ठीक है, वजन ज्यादा होता है, वेट ज्यादा होता है, ठीक है। सही क्वेश्चन है, एक मिनट मुझे पूरी बात कर लेने दो, मैं आपसे सारे क्वेश्चन सुनूंगा। ओके, छोटी चीजें जो होती है वो एफिशिएंट ज्यादा होती है, ठीक है। तो हो सकता है लेडीज के ब्रेन की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो। आपने कभी देखा है कि एक लेडीज एक टाइम पर एक नहीं दस काम कर सकती है, लेकिन आदमी एक टाइम पर एक ही काम करता है, एक टाइम पर एक ही काम करता है। इसलिए जो मदर होती है, माँ होती है, उससे बड़ा मैनेजमेंट स्किल किसी के पास नहीं होता है, ठीक है। वो किचन में गई है, वो चाय भी बन रहा है, उधर सब्जी भी बन रही है, इधर बच्चा रो रहा है, बच्चे को भी संभाल रही है, और उसका जो है पति जो है ऑफिस जा रहा है, उसके लिए टिफिन भी तैयार करना है, उसकी जो है कपड़े कहाँ रखे हैं उसको भी देखना है। मतलब आप देखिए एक ही सेम टाइम पर उसके 10 जगह दिमाग चल रहे होते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हमें खाली तैयार होना है नहा करके, और फिर माँ का हाथ बनता है अपने पति से कहने के लिए तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, ठीक है। तो औरतों की ब्रेन की जो एफिशिएंसी होती है वो कहीं ज्यादा होती है काम करने की, ठीक है ना। वो कहते हैं लड़कियां टेंशन नहीं होती, 10 सन्स के बराबर होती है, 10 लड़कों के बराबर होती है, टेंशन नहीं होती लड़कियां, 10 सन्स के बराबर होती है, ठीक है। चलो अब रमाज का सवाल लेते हैं, बताइए बेटा। सर वो ऐसा कहते हैं कि जो ब्रेन में फोल्डिंग्स ज्यादा होती हैं तो वो ब्रेन ज्यादा एफिशिएंट होता है, ये सही है या गलत है? अब देखो ये सब फजूल की चीजें हैं, फायदेमंद बातें हैं, ये जाकर एमबीबीएस में पता करना और मुझे भी बताना क्या ऐसा होता है, ऐसा होता होगा,
जैसे आइंस्टाइन ने कहा, कहते हैं ना आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा था, आइंस्टाइन कहता है कि देखो मैं कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है मेरे पास और ना ही मैं चालाक, जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ क्यूरियस हूँ चीजों को लेकर के। आप क्यूरियस हैं, आपके मन में सवाल पैदा होंगे, सवाल पैदा होगा तो सवाल का जवाब आप ढूंढेंगे, जब आप सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो एक जवाब मिलने के साथ साथ उसके साथ साथ आपको 10 और नई नॉलेज मिलेगी। आप उसको अपने ब्रेन के अंदर रिस्टोर कर ले रहे हैं और वही नॉलेज आप इस्तेमाल करते हैं बाद में, तो पता ये चलता है यार सामने वाला बड़ा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट आप भी हो, बस ऐसे कि आप क्यूरियस नहीं। जिस दिन हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आ गई, क्यूरियस हो गए, उस दिन हमारे ब्रेन की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी सोचने की, समझने की, बात करने की, जो भी है। तो ये जो इनफोल्डिंग वाली बात है रमा, इसके बारे में आप पता करिए, सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करते हैं, खुद आजमाएं, फायदा उठाएं, ठीक है। तो कल की डेट में हम लोग जो बात करेंगे वो होगा हमारा पूरा का पूरा जो है ब्रेन के सेरिब्रम के पार्ट पर, जो मेन पार्ट है, कॉर्टिकल पार्ट है, सेरिब्रम कॉर्टेक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हर एक चीज के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन इतनी बात आप भले जान लीजिए कि हमारा जो ब्रेन है मेल के केस में इसका जो वेट होता है 1400 ग्राम होता है, फीमेल के केस में स्लाइटली थोड़ा सा कम होता है, मतलब वेट दिमाग नहीं, थोड़ा सा वेट कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 1200 से 1300 ग्राम के आसपास, मतलब 1 किलो 200 ग्राम या 1 किलो 300 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है, ठीक है। ये बात आप समझे। क्रेनियल कैपेसिटी क्यूबिक सेंटीमीटर में मापी जाती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1400 cc, कभी अब तो बढ़ रही है हमारी 1450 cc हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे क्रोमैग्नन मानव की, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी 1600 cc थी, तो क्या वो मेरे से ज्यादा एडवांस थे? नहीं थे। क्रोमैग्नन मानव हमसे ज्यादा एडवांस थे, हाँ। चलो ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू सर। कल सेम टाइम पर आइएगा और आप कोशिश करिए परसों, मतलब परसों कोशिश करिए कि आप लोग ऑफलाइन मोड में आने की कोशिश करिए, वो हमारे आप सबके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अभी हम यहाँ पर जो ब्रेन दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये वाला यहाँ पर ब्लर मार रहा है, ठीक है। लेकिन आप जो बच्चे यहाँ पर सामने बैठे उनको दिक्कत नहीं आ रही है, जो ऑनलाइन क्लास है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। फिर अभी हम आपको ये बताते हैं, ये वाला रीजन देखिए, ये ब्रेन का ये रीजन है, देखिए ये अलग अलग रीजन है, आप देखिए, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है इसमें, देखिए हर एक चीज आप देख लीजिए फटाफट थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। ये आपको नीचे की तरफ से हमारी ये ब्रेन स्टेम दिखा रहा है, तो ब्रेन स्टेम में क्या क्या होगा, आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा होगा, पॉन्स होगा, और यहाँ पर आपका मिड ब्रेन दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये रीजन जो है आपका मिड ब्रेन वाला होगा, ठीक है। ये आपका ब्रेन स्टेम है। फिर उसके बाद आपको क्या दिख रहा है बेटा, सेरेबेलम दिख रहा है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिख रहा है। अब आपके ब्रेन का जो 5-4 रीजन हमने बताया था, वो रीजन आप देख लीजिए कौन कौन से हैं, आपका फ्रंटल लोब, ठीक है, आपका पैराइटल लोब, आपका ऑक्सीपिटल लोब और आपका टेम्पोरल लोब, ये 4 लोब आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वेंट्रिकल्स आपको दिखाई पड़ रहा है, लेटरल वेंट्रिकल्स आपको दिखाई पड़ रहा है, जो कि फर्स्ट और सेकंड में डिवाइडेड होता है, ठीक है। और ये आपका ये वाला जो रीजन ब्लैक था आपको दिख रहा है, ये रीजन आपको क्या है, ये आपका कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, ये क्या कॉर्पस कैलोसम है, जो कि राइट और लेफ्ट दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, दैट इज कॉल्ड द कॉर्पस कैलोसम, ठीक। उसके बाद आप देखते हो डाइसेफलॉन के रीजन में, डाइसेफलॉन के रीजन में आपको दिखाई पड़ता है आपका हाइपोथैलेमस दिखाई पड़ता है, आपको थैलेमस दिखाई पड़ता है, और छोटा सा पार्ट यहाँ पर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एपिथैलेमस कहते हैं, ठीक है। और इसी हाइपोथैलेमस से ठीक नीचे की तरफ, हाइपोथैलेमस से ठीक नीचे की तरफ आपको यहाँ पर देखिए बड़े बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर ये देखिए हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये क्या है, ये पीनियल ग्लैंड आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपको पीनियल ग्लैंड दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इतनी सी बातें थी, कल हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, मतलब परसों, तब तक के लिए गुड नाइट।